अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ढाका। इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें डाला मैदा, 2 चम्मच हमने डाला मैदा। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच ही जाएगा कॉर्नफ्लोर। कूटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 2 eggs, लेमन जूस 2 teaspoon, ये हैं सफ़ेद तिल 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 1 चम्मच, नमक तकरीबन 1/2 चम्मच नमक डाला हमने। अब ये है पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिक्स किया। हमने स्पाइसेस मिक्स कर लिए हैं चिकन में, इसको हम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन ढाका के लिए जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है और हमने पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से इसे डिश आउट कर लेंगे, खूबसूरत से प्लेटर में सजाएं और आपका चिकन ढाका तैयार है।